हे गाइस, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2023 का ये फर्स्ट लंबा राइड है। बीच बीच में अपडेट देता जाऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और इस राइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ में और भी दो लोग हैं, अपने पुराने मित्र जो कि महावीर है, और साथ ही साथ में बहुत टाइम के बाद आकाश भी जुड़ चुके हैं अपने इस राइड में। तो चलिए इस राइड को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि लोकेशन जो है करीब करीब अपने घर से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते ही देखते अयोध्या हिल टॉप के करीब आ चुके हैं हम लोग, और ऑफरोडिंग मिल गया है आप लोगों को। मेन रोड, हाईवे, सभी कुछ क्रॉस करते हुए हम लोग आ चुके हैं ऑफ रोड। करीब करीब यहाँ से अब लग रहा है डिस्टेंस 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस और लग रहा है ऑफ रोड करना होगा, इसके बाद ही हम लोग पहुँचेंगे हिल टॉप के साइड में। ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो। दोस्तों, सामने देख रहे हैं अयोध्या हिल टॉप का गेट दिख रहा है, और यहाँ से भी करीब करीब 12 किलोमीटर और डिस्टेंस तय करेंगे तभी पहुँचते हैं अयोध्या हिल के तरफ में। दोस्तों, इस वैली का भी अपना ही बात है, और ये वैली अपने को पतरातु वैली जैसा याद दिला देता है, पर ये वैली पतरातु में नहीं, हम लोग अयोध्या हिल के लिए चल रहे हैं। तो ये वैली अपना बहुत ही सुंदर सा घुमावदार मोड़ के साथ में हम लोग को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, और वैसे ही हम लोग अयोध्या हिल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए वैली के ऊपर चलते हैं। सामने देख रहे होंगे हेल्प डेस्क है, ठीक है। तो कुछ भी तरह का प्रॉब्लम होता है अगर आप राइडिंग के थ्रू आते हैं, या फिर कोई भी मिसिंग वगैरह कुछ आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड मिस हो जाते हैं, तो वायरलेस के थ्रू यहाँ से आपकी पूरी सहायता करते हैं बंगाल पुलिस, ठीक है। तो चलिए वैली के ऊपर चलते हैं। ना डाउन उतर रहे आप, पतरातु वैली जैसा है ये। दोस्तों, वैली आ चुके हैं, तो वैली पे एरियल शॉट होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, रुन रुन हो गया, सिनेमैटिक वगैरह आप लोगों ने देखा, और अब हम लोग यहाँ से जो कि अयोध्या हिल्स का रोड है बहुत ही सुंदर सा, पतरातु वैली का याद दिला देता है, फील कराता है, अब उस रोड से नीचे उतरते हुए हम लोग जा रहे हैं अपना वाटरफॉल की तरफ में, जो कि अयोध्या हिल्स, अयोध्या फॉल्स जो है, फॉल जो है उसके तरफ में, ठीक है। ये व्यू अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है। हम लोगों को जाना है फॉल के साइड में, डैम के साइड में तो जाना नहीं है। देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं बामनी फॉल। थोड़ा यहाँ का व्यू देखते हैं कैसा व्यू है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा व्यू है। यहाँ पे अराउंड काउंटिंग जैसा कि करके आ रहे हैं पब्लिक, 500 सीढ़ी के अराउंड है, 500 प्लस स्टेयर्स है। तो चलिए, अभी हम लोग तो काउंटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को भी, और काफ़ी ज़्यादा नीचे है।
क्या खास भैया, क्या लग रहा है, एक्साइटिंग होगा? अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है, क्यों जो लोग आ रहे हैं नीचे से, वो लोग का चेहरा देख कर लग रहा है कि नीचे जा ही नहीं, बहुत नीचे लग रहा है पूरा एकदम। हालत क्या लग रहा है, खराब होगा हालत? अभी तो अच्छा लग रहा है जाने में, आने में पता चलेगा हम लोग कैसा है, कितना आनंद आ रहा है कितना नहीं। बिल्कुल, चलिए आकाश भी आप इतना में ही थक जा रहे हैं तो कैसे जाइएगा पारसनाथ हिल? मैं कभी चढ़ता नहीं हूँ, चढ़ाई वढ़ाई मैं करता नहीं, चलता नहीं इतना, इसीलिए मेरा लग रहा है। ट्रैकिंग करते ही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मुर्गा महादेव वाला वाटरफॉल कैसा था आकाश भैया? वो वाला इतना हैवी नहीं था, इतना नीचे नहीं था। सो व्यूअर, यहाँ पर आपको वाटरफॉल अब दिखने वाला है, हमने दिख भी रहा होगा। देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत हुआ अच्छा ही हुआ, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो व्यूअर्स, देख रहे हैं अब आ चुका है फाइनली अटेम्प्ट वाटरफॉल के बाद थोड़ा सा ट्रैकिंग वैकिंग भी कर लेने का, और फिलहाल कदम बहुत सावधानी से जमा करके हम लोग नीचे का भीड़ का सामना नहीं कर रहे हैं, ट्रैक करके ही कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ जाए। और ये जो व्यू आप देख रहे होंगे GoPro Hero 9 का मैन वर्सेस वाइल्ड वाला ट्रैकिंग है, जो कि जंगल झाड़ होकर के हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। और आज के डे का सबसे रोमांचक पार्ट यही है कि अपन लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। चलिए आकाश भैया, वो देखो आकाश भैया हेलमेट पहन लिया, अब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या डैम के तरफ में, अयोध्या हिल डैम के तरफ में। ठीक है दोस्तों, फिलहाल पैर जमाते हुए, क्योंकि विदाउट हेलमेट जाना, विदाउट शूज यहाँ तो भूल से भी मत आना, बड़ा ही डेंजर जगह। ट्रैक अगर करने के लिए पैशनेट हो, इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आ सकते हो यहाँ पे आप। फाइनली ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। क्यों बोली थे मत जाओ? मैंने नहीं सुना इस बंदे का बात, इन्होंने बोला कि मत जाओ, इस बंदे की वजह से सब कुछ हुआ। तो गाइस यहाँ पे कुछ मायूस से चेहरे जिनको अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया, और फाइनली अपने पैंथर के पास आ चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ से बढ़ते हैं अपने अयोध्या डैम के तरफ में, अयोध्या हिल डैम के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा उस चीज़ के बारे में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। अगर ट्रैवलिंग अच्छा लग रहा है तो गाइस एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस चीज़ को, जैसा कि अपना चैनल का नाम है एक्सप्लोरर, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर हर जगह जगह पे करता रहूँ। फाइनली देखते ही देखते हम लोग आ गए हैं अयोध्या हिल, काफ़ी भीड़ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फाइनली आ चुके हैं अयोध्या हिल, और पीछे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़, शॉप वगैरह यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई।
लोगों ने आपको अयोध्या वैली गए थे जो कि वहाँ पे भी आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट दिखाए, फिर डैम वाटरफॉल के साइड आ रहे थे, बट अभी टाइम थोड़ा सा कम बचा है, कंजेस्टेड हो गया क्योंकि हम लोग करीब 40-45 किलोमीटर मतलब आउटडोर हो गया, 50 किलोमीटर आगे चल गए थे, दूसरे साइड पे चले गए बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग फिर वो कवर मतलब कि जहाँ पे हम लोकेशन था वहाँ पे आने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लग गया, इसलिए हम लोग टाइम का कमी हो गया तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, फिर भी आप लोग को होप आई होप अच्छा लगा हो जाएगा ब्लॉग। क्या महावीर वीडियो अच्छा बनाया कि नहीं? बहुत अच्छा। तो दोस्तों वीडियो हम लोगों ने कोशिश किया कि एक दिन में तो मतलब पूरा अपना जमशेदपुर सिटी से आकर के टोटल चीज़ कवर करने का कोशिश किया, बट ऐसा था कि हम लोग 40-50 किलोमीटर आगे चल गए, फिर रिटर्न आए 50 किलोमीटर, इसकी वजह से थोड़ा सा कवर कम हुआ है, वाटरफॉल वगैरह जो था मैं हम लोगों ने दिखाया। और अगर उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आकाश भैया क्या करना है पब्लिक को? पब्लिक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टिल देन लव यू। इस वीडियो में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगा है, बस थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, हम लोग का मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टिल देन लव यू, बाय।